लाइबा शदीद गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आपकी तरबियत पर। आपने हरीम जैसी लड़की पर इतने इल्ज़ामात लगाए और इसके साथ इतना बुरा भला किया, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ इस हद तक गिर चुकी है। जानती तो थी कि वो उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी वो सोच भी नहीं सकती थी। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फैसला कर लेती है कि नहीं, अब वो फ़ाइज़ को सारे मामला बता कर ही सांस लेगी और उसको बताएगी, और वो हरीम को क्या कहते हैं उससे बात करे, उसे अपने साथ रखे, उसको कभी भी न छोड़े। ये बात वो ठान लेती है, लेकिन जी अब हरीम नहीं मानने वाली। हरीम साफ साफ कह देगी, ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों की भूल है कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, मैंने ये बात ठान ली है और मैंने फैसला अपना आप लोगों को सुना दिया है। क्योंकि जब वक्त था और मैंने कहा था कि मुझ पर यकीन किया जाए, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बात का यकीन करता। सब मुझे टाने टसने लग गए, लेकिन अब आप लोग अगर ये कहो कि मैं फाइज को ना छोड़ूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। अब मैंने फैसला कर लिया है और ये फैसला मेरा अटल है।